बच्चों, पिछली क्रियाकलाप में हमने कोशिकाओं के समूह को देखा था। अभी हम ये देखेंगे कि कोशिकाओं के समूहों का कार्य क्या होता है, वे कार्य कैसे करते हैं। हमारे पास डेवलप तंत्र है, हर काम को करने के लिए अलग अलग सिस्टम है, लेकिन पौधों में जो कोशिकाएं हैं, हर कोशिकाओं का अपना एक समूह होता है और उन कोशिकाओं के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, ये देखने के लिए हम एक ऐसे पौधे का चुनाव करेंगे जिसकी तना काफी नर्म हो, सॉफ्ट हो। ऐसे पौधे की हम दो शाखाएं लेंगे, ब्लेड की सहायता से उसको सीधा काटेंगे ताकि किसी भी प्रकार की आड़ी तिरछी उसमें या खिंचाव ना हो। हम इस प्रकार से दो तने को काट लेंगे और लेंस की सहायता से हम ये देखेंगे कि ये जो सरफेस है वो सरफेस बिल्कुल समतल होना चाहिए, एकदम समतल सरफेस जो कि इसमें हमने काटा हुआ है, इसमें दिख रहा है वो। ऐसे हमने दो तना को काट के रखा हुआ है, एक तने को हम रंगीन पानी में डाल के 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे ताकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। 2 घंटे के लिए हमने रंगीन पानी युक्त फ्लास्क में जो प्लांट का टुकड़ा डाला हुआ है उसे हमने धूप में रख दिया है ताकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहे। तब तक हम इस पौधे का देखेंगे, चूंकि ये ताजा अभी हमने तोड़ के लाया हुआ है, तो इस पौधे में जो कोशिकाओं का समूह है, हम इस पौधे का ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ काट और आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लंबवत काट, दोनों काट काटेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी दिख रही है। उन संरचनाओं को हम अपनी कॉपी में बना के संरचना और लक्षणों को नोट कर लेंगे। एक साथ काफी सारा काट लेंगे ताकि सबसे पतला का चुनाव करने में दिक्कत ना हो। अभी हमने TS लिया था, अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी दिखती है और इन संरचनाओं को हम कॉपी में बनाते भी जाएंगे और इसके रंगों को भी नोट कर लेंगे कि ये किस प्रकार का दिख रहा है। अभी हमने जो प्रक्रिया इस पौधे में किया उसका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों लिया है, सेम प्रक्रिया हम रंगीन पानी में जो पौधा डाला गया है, अब हम इस पौधे का भी सेम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, उसकी संरचना को नोट करेंगे, देखेंगे और जो पहले की संरचना है उन दोनों संरचनाओं को हम कंपेयर करेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है। हम पहले इसका TS काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, उसके बाद हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे। ये सेम प्रक्रिया हमने कई बार की हुई है, बहुत सारी बारीक बारीक सेक्शन कटिंग करनी है, उसमें से फिर हमको सबसे पतले सेक्शन का चुनाव करके माइक्रोस्कोप में लगाकर देखना है। जैसे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, सेम इसके सेंटर से हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे जैसा पिछला का किया था। इसके लक्षणों को देखेंगे, संरचना को नोट करेंगे और दोनों का कंपेयर करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। इन दोनों में हमें काफी अंतर नॉर्मली देखने को मिल रहा है, एक कलरलेस है और एक कलरफुल है, जो गुलाबी रंग से रंजित है जो ये बता रहा है कि वाटर का संवहन हुआ है, वाटर कंडक्शन नीचे से ऊपर की ओर हुआ है और अब जब हम इसको देखेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया में ये बीच का पोर्शन पिंक या रेडिश नहीं हुआ है, ये पोर्शन पिंक या रेडिश नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया ही पिंक या रेडिश कलर का हुआ है, जो ये बता रहा है कि
कोशिकाओं का एक निश्चित समूह है जो वाटर कंडक्शन का काम करता है। और यहाँ पे हमको कुछ भी कलरफुल नहीं दिख रहा है, और जैसी सेम इसमें व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पौधे की दोनों शाखाओं के दोनों सेक्शन को, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों को जब हम कंपेयर किए तो हमें अंतर साफ दिखाई दिया। क्या आपको वो सारे अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दिए? और हमने ये भी देखा कि पौधे का कुछ भाग ही रंगीन दिख रहा है। इसका मतलब क्या उन पौधों के कुछ पर्टिकुलर कोशिकाओं का ही समूह है जो रंगीन दिख रहा है, या कुछ ऐसे कार्य होंगे जैसे जल का संवहन, वाटर कंडक्शन का काम केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं की, हम ऐसा कह सकते हैं क्या? जब हम ऐसा प्रयोग अलग-अलग पौधों में करेंगे, बार-बार करेंगे, तो आप सब ये पाएंगे कि कुछ पर्टिकुलर कोशिकाओं का समूह ही कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों को करता है।